ना ब्रांड प्रमोशन, ना घूमना फिरना। भाई का रिश्ता पक्का करवाने के लिए इंडिया आई थी प्रियंका। होने वाली दुल्हन पर प्यार लुटाते दिखे प्रियंका के छोटे भैया। तस्वीरों में दिखी नीलम और सिद्धार्थ की रोमांटिक केमिस्ट्री। तो आखिर कौन है वो लकी गर्ल जो बनने जा रही है प्रियंका की भाभी? मायके में 16 दिन बिताने के बाद प्रियंका चोपड़ा अपने ससुराल अमेरिका लौट गई हैं। लेकिन ट्यूसडे इवनिंग मिसेस जॉनस ने अपने तमाम चाहने वालों के साथ गुड न्यूज शेयर कर उनका दिन बना दिया था। आखिर प्रियंका के मायके में शादी की शहनाइयां जो बजने वाली हैं। प्रियंका के भाई सिद्धार्थ चोपड़ा का नीलम उपाध्याय के साथ रिश्ता पक्का हो गया है। बीते दिन प्रियंका ने सिद्धार्थ और नीलम के रोका सेरेमनी की कुछ चुनिंदा तस्वीरें शेयर कर ये खुशखबरी सुनाई थी, जिसके बाद से ही जहां एक तरफ तमाम लोग प्रियंका को भाई का रिश्ता तय होने की बधाइयां दे रहे हैं, तो वहीं लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है वो लकी गर्ल जो फाइनली चोपड़ा परिवार की बहू बनने वाली है। कौन है नीलम उपाध्याय और क्या करती हैं? तो आपको बता दें कि ननंद प्रियंका चोपड़ा की तरह ही उनकी होने वाली भाभी नीलम भी शोबिज से जुड़ी हुई हैं। नीलम भी एक्ट्रेस हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि नीलम बॉलीवुड नहीं बल्कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हैं। नीलम ने तेलुगू और तमिल भाषाओं की कई फिल्मों में काम किया है। हालांकि नीलम फिल्म इंडस्ट्री में कुछ खास पहचान नहीं बना पाई हैं। साल 2012 में आई तेलुगु फिल्म मिस्टर सेवन से नीलम ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे, जिसके बाद नीलम ने कुछ और तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया। हाँ, बात अलग है कि पीसी की होने वाली भाभी अपनी ननद प्रियंका जितना फेम इंडस्ट्री में हासिल नहीं कर पाई हैं। 30 साल की नीलम का जन्म 5 अक्टूबर 1993 को मुंबई में हुआ था। मिठीबाई कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से नीलम ने पढ़ाई की है। नीलम के परिवार की बात करें तो उनकी फैमिली में माँ प्रवीण उपाध्याय हैं। इनके अलावा नीलम का एक बड़ा भाई है जो शादीशुदा है और अपनी फैमिली संग मुंबई में ही रहता है। नीलम का एक भतीजा भी है जिस पर नीलम खूब प्यार लुटाती है। वहीं नीलम की बहन की भी शादी हो चुकी है। नीलम की बहन ऑस्ट्रेलिया में रहती है। जानकारी के लिए बता दें कि सिद्धार्थ चोपड़ा और नीलम उपाध्याय एक दूसरे को लगभग 6 साल से डेट कर रहे हैं। हालांकि सिद्धार्थ और नीलम ने कभी भी अपने रिश्ते को कंफर्म नहीं किया था, लेकिन दोनों अक्सर इंस्टाग्राम पर एक दूसरे संग अपनी कोजी पिक्चर शेयर करते रहते थे, जिनमें इनका पीडीए हर किसी की अटेंशन ग्रैब करता था। नीलम अपनी होने वाली सास मधु चोपड़ा और ननद प्रियंका के साथ भी क्लोज बॉन्ड शेयर करती हैं, जिसकी गवाही ये तस्वीरें देती हैं। आपको बता दें कि 30 साल की नीलम सिद्धार्थ चोपड़ा की जिंदगी में आने वाली पहली लड़की नहीं है। साल 2019 में सिद्धार्थ चोपड़ा की सगाई इशिता कुमार के साथ हुई थी। अप्रैल में दोनों की शादी भी होने वाली थी, लेकिन फिर ये रिश्ता टूट गया था। कहा गया था कि सिद्धार्थ शादी के रिश्ते में बंधने के लिए वक्त चाहते थे। बता दें कि इशिता कुमार की अब शादी हो चुकी है और वो अमेरिका में सेटल हैं। इशिता से पहले सिद्धार्थ की जिंदगी में कनिका माथुर नाम की गर्लफ्रेंड थी। दोनों की सगाई साल 2014 में हुई थी, तो शादी 2015 में होने वाली थी। हालांकि वो रिश्ता भी टूट गया था। तब कहा गया था कि सिद्धार्थ अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन अब 35 साल की उम्र में फाइनली सिद्धार्थ चोपड़ा को नीलम उपाध्याय के रूप में वो लेडी लव मिल गई है जिसे वो अपनी लाइफ पार्टनर बनाने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।